जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। अब दोस्तों, आज का जो ये वीडियो स्पेशली ये है कि आपकी जो फाइनल मेरिट की डेट है, SSGD 2018 की फाइनल मेरिट की जो डेट है, वो किस डेट को फाइनल मेरिट आने वाली है, तो इसके बारे में मैं आपको विथ प्रूफ बताऊंगा कि कब तक आपकी फाइनल मेरिट आ जाएगी। साथ ही अगर आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, यानी कोई भी फोर्स की अगर आप तैयारी करते हो, तो रनिंग का शानदार वीडियो शूट या एक्सरसाइज की किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज का ऐसा वीडियो होना चाहिए जिसको देख के दूसरे मोटिवेट हो और उस एक्सरसाइज को करने की इच्छा करते हो, जिससे बेनिफिट भी होना चाहिए कुछ ना कुछ शरीर में। आपको बेनिफिट बोल के बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक मिनट का वीडियो बना के मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पर नहीं, अगर आपका वीडियो अच्छा हुआ तो मैं वहीं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, फिर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। और उसके लिए आपका अगर वीडियो शानदार लगा मुझे, तो मेरी तरफ से ऐसी टी शर्ट जो मैंने पहन रखी इस प्रकार की आपको गिफ्ट में, या लोवर कोबरा का, या शूज़ आपकी नीड के अनुसार, अगर किसी को मेरे को लगा है शानदार, तो उसको शानदार जूते भी मेरी तरफ से गिफ्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई अच्छी लाइनें लिखता है, देशभक्ति शानदार लाइनें लिखता है, तो वो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकता है डायरेक्ट। तो अगर उसकी भी अच्छी लगी लोगों को, मैं वीडियो बना के ज़रूर उसको टैग लगाऊंगा, और अच्छी लगी लोगों को तो मेरी तरफ से उनको भी शानदार गिफ्ट दिए जाएंगे। तो अब दोस्तों, बात करते हैं कि फाइनल मेरिट की डेट कब है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजेक्टेड फॉर्म चल रहे हैं अभी, रिजेक्टेड वाले फॉर्म जैसे सभी ने अनुमानित लगा रखा था कि दिसंबर लास्ट में फाइनल मेरिट आएगी, जैसा कि मैं खुद भी बोलता हूँ इस बात को कि दिसंबर के जो लास्ट हफ्ता है उसमें फाइनल मेरिट आ जाएगी, ऐसा मैं खुद भी बोल रहा था पिछले मेरे वीडियो में, सभी में मैंने ऐसा ही बोला, क्योंकि मुझे पता था कि जब रीमेडिकल हो जाता है उसके अगले 2 महीनों में फाइनल मेरिट आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो रीमेडिकल वाली डेटें थी वो भी झूठी पाई गई, उसके बाद में भी रीमेडिकल चल रहे थे। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि 2 महीने हो गए रीमेडिकल को, तो नहीं हुए। नवंबर का लगा लास्ट तक, मतलब रीमेडिकल चल रहे थे नवंबर लास्ट तक, कई लोगों के रिमेडिकल चल रहे थे, उनके प्रूफ भी आपके पास में पहले भी वीडियो में कईयों में आए हैं, आपने देखे होंगे। तो अभी उसको 2 महीना हुआ नहीं है, तो एक चीज़ तो ये। दूसरी जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊं विथ प्रूफ जो मैंने बोला है, वो आप एक चीज़ देखिए इधर, कि जो ये रिजेक्टेड हुआ है बायोमेट्रिक की वजह से, कि आपका बायोमेट्रिक फिजिकल और मेडिकल के टाइम पे नहीं हुआ था, मैच नहीं हुआ, इनको 1 महीने का टाइम मिला है। यानी जिनके भी रिजेक्टेड फॉर्म हो रहे हैं उनको 1 महीने का टाइम मिला है। वैसे तो ये 1 से 4 तारीख के बीच में ये फॉर्म सारे निकल रहे हैं जिनके रिजेक्टेड हुए हैं, तो 1 से 4 तारीख के बीच में इनके फॉर्म रिजेक्टेड के लिए गए हैं, तो इनको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि आप 1 महीने में, मतलब आपको साबित करना जो आपके स्कूल के जो सर्टिफिकेट है उनसे, कि मतलब आपका यही है। तो अगर आप साबित कर पाते हो तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक में आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। इसके अलावा अब जो एक चीज़ और नहीं आई है, 10 तारीख को भी आई है, 1 तारीख को भी आए हैं, 10 तारीख को भी कुछ होंगे रिजेक्टेड फार्म निकले हैं, वो निकले हैं जिनके जन्म डेट में प्रॉब्लम है, यानी जिनके जन्म डेट डेट ऑफ बर्थ की वजह से रिजेक्ट हुए हैं कई लोगों के फार्म, जिन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि आपकी जन्म डेट इस डेट से इस डेट के बीच में जो 23 साल है आखिरी यही होनी चाहिए, एससी वाले की इतनी, एससी एसटी वालों की इतनी, यही होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा या कम आपकी, मतलब कम तो चलेगा नहीं 17 से पहले तो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय उन लोगों को लग रहा था नहीं हुआ था, लेकिन अभी 1 तारीख को भी कईयों के फॉर्म निकले हैं और 10 तारीख तक उनके फॉर्म निकल रहे रिजेक्ट। लेकिन हाँ, इनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि आप रिजेक्ट हो और आप साबित कर दो कि भाई आपकी गलत हो गई, इनके लिए कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन जिनके बायोमेट्रिक रिजेक्ट हुए हैं उनको मौका दिया गया। साथ ही बता दूं कि अब और किन किन को डरने की ज़रूरत है, किन किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपका जो मूलभूत जो चीज़ है वो है 10th क्लास की मार्कशीट। अगर आपके अभी भी 10th क्लास की मार्कशीट में कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ होने बोला था कि रोल नंबर में मिस्टेक हो गई थी, मेरे को ये भी मैसेज आया कि सर मेरे रोल नंबर में मिस्टेक, जिनके रोल नंबर में मिस्टेक हुई है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी अलर्ट रहे। अगर आपके पास में आता है तो आपको साबित करने के लिए कोर्ट में रिट लगा सकते हो कि ऐसी ऐसी बात है, कोर्ट में नहीं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आप बात कर सकते हो कि ऐसी ऐसी बात है, आपको उसमें उनका एड्रेस आया, उसमें आप मेल भी डाल सकते हो और फैक्स भी कर सकते हो। और कईयों को नहीं पता है तो जब उनके पास आए उनको कुछ नहीं पता तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको फैक्स का या जो मेल का एड्रेस है वो भी बता दूंगा। तो दोस्तों, अब अगर और कई जो चिंतित है, एक तो जिनके 10th क्लास की मार्कशीट में कोई भी मिस्टेक है, दूसरा अब जो ज़्यादातर लोगों के प्रॉब्लम हुआ है कि मदर फादर के नेम और एड्रेस में, अब अगर आपके एड्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक ही नाम को अलग अलग, जैसे विराट में लिखता हूँ VERAT,
कुछ VIRAT जो मेन स्पेलिंग है वो VIRAT है। तो इसमें आपके अगर प्रॉब्लम है तो आपको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम के लिए आपको कोई नोटिस या रिजेक्ट नहीं भेजेगा। अगर आपके पास ऐसा आता है तो बिल्कुल फेक है, जैसे ये मैसेज आ रखा है ये बिल्कुल फेक है पूरा का पूरा, तो आपको पास भी ऐसा आता है तो उसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब 10th क्लास की मार्कशीट में क्या क्या सही होना चाहिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा हुआ उसके के अनुसार आपके मतलब फॉरम में भी वही होना चाहिए और जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसमें भी वही होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, आपके रोल नंबर भी उसमें वही होने चाहिए जो आपके फार्म में जब लगाए, जब आपने ओरिजिनल लगाए तब होने चाहिए। अगर उनमें प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक दो लड़कों को मेरे पास इस प्रकार के मैसेज आए तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हो तो आप मेरे को मैसेज में भेजना, वो जो आपके पास जो भी नोटिस आए या मैसेज आए तो आप मेरे को भेजना ताकि मैं उसको अच्छे से रिप्लाई कर सकूँ आपको कि इसमें आप क्या समाधान कर सकते हो आप। इसके अलावा जिनके मदर फादर के नेम में अगर कोई प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों के, तो उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है वही मूलभूत आधार है, उसमें जो फादर का नाम है वही माना जाएगा, मदर का जो नाम है वही माना जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स में आपके मदर फादर के कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। लेकिन आप एक एक फ़ोटो को भी ज़रूर ले लेना उनकी, ताकि आपको डेट ऑफ बर्थ जानने में, उनके जो डेट ऑफ बर्थ है या उनका जो फादर का नाम है, कईयों को वो नहीं पता होता मदर के फादर का नाम क्या था ये पता नहीं होता, तो उनका वो नॉर्मल कार्ड है वो ले लेना उनकी फ़ोटो को भी, बाकी वो कहीं प्रूफ के रूप में एज ए प्रूफ कहीं नहीं लगते हैं, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब रोल नंबर और 10th क्लास की मार्कशीट, दूसरी SSC GD के अनुसार आपके जाति प्रमाण पत्र का अगर बोला है कि आप OBC में आते हो, तो अगर आप जनरल में आते हो तो आपको खारिज हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप SC का अगर बोलते हो कि मैं SC में हूँ मैं, और फिर वहाँ पर आपने ओरिजिनल जो दिखाया SC का वो बिल्कुल फर्जी है, तो आपको फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी जो OBC SC ST या किसी भी आरक्षण जो लेता है, अगर वो उस आरक्षण को ले रहा है उसका ओरिजिनल प्रूफ नहीं है, मतलब जो आपने कॉपी लगाई है वो कॉपी अगर आपके पास में नहीं है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे। जिनके एड्रेस में प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को जैसे मैंने वीडियो डाला एड्रेस वाले ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे एड्रेस में एड्रेस की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर एड्रेस में आपके प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इसके अलावा जो जैसा कि मैंने बोला कि जिनके इनमें प्रॉब्लम हो रखी है, डेट ऑफ बर्थ, मदर फादर के नाम की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप हो सके तो मदर फादर के जो आधार कार्ड है उनमें आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप नाम करा सको तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अगर बिल्कुल ही नाम चेंज है जैसे महेंद्र का हरेंद्र हो रखा है, तो आप एफिडेविट लगा लेना कि भाई ये एफिडेविट है, यही बंदा है, यही महेंद्र है और यही हरेंद्र है, किसी कारणवश हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये गलती हो गई, तो उनके लिए नहीं होगा। मेन यही है, जाति प्रमाण पत्र से जो आरक्षण ले रहा है अगर वो आरक्षण वो जनरल का होगा और उसने SC ST या OBC का लगा दिया तो प्रॉब्लम होगी, या किसी स्टेट का वो उसने कर दिया कि वो स्टेट किसी और का, किसी और स्टेट से उसने भर दिया कि मैं इस स्टेट का हूँ जबकि उसके मूल निवास किसी और स्टेट का है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि SSC के जो इंस्ट्रक्शन उसमें साफ लिखा गया है कि आपको उसी स्टेट का माना जाएगा जिस स्टेट का आप मतलब फॉर्म भर रहे हो, तो आपको वहीं का मूल निवास होना चाहिए दोस्तों। तो ये मेन चीज़ है, अगर इसमें भी आपको कमी हुई तो भी आपको रिजेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर किसी के रिजेक्शन या कुछ भी आता है, और मेरे तरफ से जितना हो सकेगा उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर भेज देना, और भी अगर कोई समस्या है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना दोस्तों। आपकी अगर कोई समस्या आती है तो मैं जितनी हो सकेगा मेरी तरफ से मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये गलतियाँ जैसे जाति वाली हो गई, डेट ऑफ बर्थ में हो गई, रोल नंबर हो गया, या 10th क्लास की मार्कशीट फर्जी हुई, या आपकी फ़ोटो वहाँ पर अलग पाई गई जो 10th की मार्कशीट, और वो जो बोर्ड से चेक करे तब अलग पाई गई, या पास की जो डेट है वो अगर गलत पाई गई, जैसे आप 2012 में पास किए हो और वो मार्कशीट है उसमें कहीं डुप्लीकेट करके 2011 कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभी नहीं तो आगे ज्वाइनिंग करने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अभी भी रिजेक्ट हो सकते हो दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी समस्या आती है या कोई भी अगर आप मेरे से आते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन इंस्टाग्राम में मैसेज करते समय आप सीधी अपनी प्रॉब्लम लिखे ताकि मेरे को लगे कि इस बंदे की रियल प्रॉब्लम है, और मैं सीधा उसको रिप्लाई कर दूँ दोस्तों। तो बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।